हेलो फ्रेंड्स, अशोक शिक्षण ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ अपनी मम्मी के घर में और शाम को आई हूँ। बच्चे सुबह स्कूल गए थे तो बच्चे आए वहाँ से 3 बजे स्कूल से। उसके बाद हम लोग खाना खा के घर का सारा काम निपटा के उसके बाद आई। मैंने अक्की के लिए मन्नत मानी थी कि अक्की मेरा जब ठीक हो जाएगा तो उसके लिए मैं छठ का जो है मम्मी मेरी जो है मेरे मायके में मम्मी जो हैं वो छठ का व्रत रखती हैं, तो उनसे मैं रखवाऊंगी छठ का व्रत और अपने बेटे की कोसी पूरी करूंगी। तो कोसी मैंने मान रखी थी, जैसे मन्नत पूरी होती है कोई भी तो कोसी भरी जाती है छठ पूजा में। जो लोग छठ करते हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा। तो वैसे ही मैं शाम को आई और सारा जो भी छठ पूजा में जो भी लगता है सामान वो सब खरीदवाया है और अब वही बस मम्मी के घर में आ गई हूँ। सारा सामान बस अब हम रखने जा रहे हैं और कल फिर जो है शाम को जो है मैं आपको दिखाऊंगी छठ पूजा का कैसे क्या होएगा। प्रसाद जो हम बनाएंगे वो आपको दिखाऊंगी और जो फल वगैरह जितना लगता है सब कुछ बहुत साफ सफाई से होता है। और वैसे तो इसको घाट पे किया जाता है लेकिन अब घर में ही लोग अधिकतर करना पसंद करते हैं क्योंकि घाट पे बहुत भीड़ हो जाती है और काफी दिए वगैरह जलते हैं तो कपड़े वगैरह जलने का बहुत डर रहता है। तो अधिकतर लोग कोरोना के बाद से घर में ही करने लग गए हैं। कोरोना के टाइम में भी लोग घर पे ही करते थे तो घर पे ही करेंगे और हम घर की छत पे करते हैं तो छत पे ही करेंगे। स्विमिंग पूल है उसमें पानी भर के करेंगे। तो कल मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी तो फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह। तो यहाँ पे हो गया है अर्घ देने के लिए, यहाँ पे स्विमिंग पूल पे लगा दिया है, पानी भर दिया है और ये छठ माता के लिए बना के रख दिया है। मिट्टी से बनता है और ये है गन्ना यहाँ पे, क्योंकि कोसी भरनी है तो गन्ना रखाएगा। और यहाँ पे सारे बर्तन रखे हुए हैं जो भी मजाएंगे। सारा सामान है, सारा फल है, जो भी है सारा फल है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, बहुत सारा है, सारा सब कुछ। तो जो जो चाहिए वो सब लगेगा। और सुबह से सारा काम ही हो रहा है। तुलसी जी देखिए कितना बढ़िया से हो रखी हैं, ये देखिए। और ये बहुत ही बढ़िया बन गया है पूजा का, छठ माता का। तो मैं भी बस नहा चुकी हूँ और बस फिर अब जो है प्रसाद बनाएंगे। तो प्रसाद जो बनाना होता है वो कुछ खा के नहीं बनाना होता है, तो प्रसाद बनाएंगे। फिर प्रसाद बनाने के बाद फिर हम लोग फिर नाश्ता वाश्ता करेंगे। मम्मी का तो पूरा व्रत ही है, मम्मी तो निर्जल व्रत रखी हुई है बस उसके बाद। और धूप बहुत अच्छी आ रखी है, बहुत ही अच्छी सूर्य देवता उगे हुए हैं बस। और फिर पूजा करेंगे आज के दिन, फिर हम शाम को तैयार व्यार होंगे अच्छे से। शाम को मतलब 4 बजे से शुरू हो जाता है तो 3 साढ़े 3 बजे से हम लोग तैयार होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको दिखाती हूँ आगे, जब हम प्रसाद बनाएंगे तब आपको दिखाऊंगी। बस अब इसको हाथ से, दोनों हाथ से मिलाओ, बढ़िया ऐसे मलो मलो उसको, मलना पड़ेगा। बैठ के मुआयना करो ढंग से। वो दे दे बुरा, मैं वो दूं बार बुरा। मैं तभी कह रही थी ना कि तो यहाँ पे अब हम खस्ता ठेकुआ की तैयारी कर रहे हैं। अर्घा के लिए बन गया है यहाँ पे, अब उसको हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पे है भाभी बैठी है छोटी वाली और बड़ी वाली भाभी अभी नीचे गई है कुछ लेने के लिए। तो तैयारी कर रहे हैं, बन जाएगा सब। साथ में बहुत लोग हैं, बहुत मजा आ रहा है, लग रहा है जैसे घर में शादी का माहौल है। सारा सामान फैला हुआ है एकदम, इतना बढ़िया लग रहा है। आधे फल है, फल भी धोने हैं अभी। तो बस फिर बनाते हैं, अभी चलते वक्त आपको मिलेंगे। छत पे हम सारा काम कर रहे हैं। तो गाइस इसमें से अब बना रहे हैं हम खस्ता की तैयारी। तो इधर मैं ठोक रही हूँ, उधर छोटी भाभी फल धो रही है, इधर बड़ी भाभी तल रही है। तो अब इसको बनाने में ही भी टाइम लगने वाला है। जैसे कि मैंने बोला अपनी वीडियो में, जैसे मैंने डाला है मेन प्रसाद यही है बस। तो मम्मी तो यहाँ बैठ गई है पूजा करने के लिए। ये जो बना हुआ है मिट्टी का, ये मैंने आपको सुबह भी दिखाया था। और यहाँ पे देखिए आजू बाजू में भी बहुत लोग कर रहे हैं छठ, हमारे पीछे भी और सामने भी। और बड़ी वाली भाभी को मैंने तैयार करके भेज दिया था ऊपर, मैं ही दोनों भाभी को मैंने ही तैयार किया। तो मेरे को, मैं लास्ट में तैयार हुई तो लास्ट में आई हूँ ऊपर, तो इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया। और सब लोग चिल्ला रहे थे जल्दी से बुलाओ सुषमा को,
तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा। अब यहाँ पे मम्मी अर्पण बोलते हैं इसको, ये लगता है मैंने पूरा देखा नहीं, लेकिन ये बेटा मेरा शूट कर रहा है। तो यहाँ पे मम्मी सब तैयारी कर रही है, बहुत ही कठिन व्रत होता है। और ये जो है लोटे में पानी गंगा जल है, उसी से अर्पण बन के तैयार हो रहा है। यहाँ सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं धोके, कुछ अंदर भी हैं, कुछ साइड में भी रखे हुए हैं। मम्मी यहाँ पे पूजा मम्मी ने स्टार्ट कर दी है। ये है छठी मैया बना रखा है यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से मम्मी टोकरी पे भी ये थापा लगा रही है इस तरीके से। यहाँ पे बहुत ही मान्यता होती है इस व्रत की, बहुत कठिन होता है, 36 घंटे का निर्जल व्रत होता है ये। और मम्मी मेरी एजेड है फिर भी इन्होंने व्रत किया है और सारा काम भी कर रही हैं साथ में, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए सारी तैयारियाँ हो रही हैं पूजा की, सब माला वाला चढ़ रही है। और मैं नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा फील हो रहा था क्योंकि ये वीडियो मेरे बेटे ने शूट करी है। ये देखिए छठी मैया को माला पहना दी। अब ये जो हमने पूजा के लिए बनाया था ये वो चढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये पूजा वाला हम पहले अलग से निकाल के रखा जाता है, सबसे पहले पूजा का बनता है। अब ये सिपली है, सूप भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे इस तरीके से मम्मी सजा रही है। रात का तो मैंने ही तैयार किया था तो सुपली सारा सजाया था। बड़ी वाली भाभी यहाँ पे मम्मी से पूछ रही हैं कि मम्मी बता रही है ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। दिया यहाँ पे लग गया, छोटी वाली को भी मैंने तैयार करके भेज दिया है। बस मैं ही नहीं आई हूँ, बहुत लेट हो गया था मेरे को। और मम्मी बोल रही है मेरी बेटी को बुलाओ, उसी के लिए तो हो रहा है, उसके बेटे के लिए, वही नहीं आएगी तो कहाँ से होएगा। तो यहाँ पे शायद पता नहीं मैं आई हूँ कि नहीं आई हूँ, मेरा ये मेरे से बड़ा वाला भाई है। अब यहाँ पे शायद मैं आ गई हूँ, भाभी मेरे को सिंदूर लगा रही क्योंकि ये लोग लगा चुके थे। और यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम नाक से सिंदूर लग रहा है मेरे। तो भाभी मेरी बड़ी वाली बिहार की है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं इनसे बोल रही थी मैं नहीं लगाती, लेकिन जब मैंने लगाया ना तो इतना सुंदर लग रहा था फेस देखने में। ये फर्स्ट टाइम मैं ये लगा रही हूँ यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे सिंदूर लग के लग गया है। अब यहाँ पे मम्मी सूर्यदेव को अर्घ दे रही हैं। तो जब सूर्यदेव जब उनका डूबने का टाइम होता है जब होता है तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले पानी में जाते हैं। तो पानी तो यहाँ है नहीं, हमें स्विमिंग पूल का बना रखा है। और अक्की के लिए किया था मैंने, तो सबसे पहले वो अर्घ शायद वही देगा कि पता नहीं बड़ा वाला मेरा भाई देगा। तो गंगा जल लोटे में मिला के पानी में उससे मिला के देते हैं। और ये सुपली ऐसे ऐसे है तो जो जो व्रती होते हैं ये जो हैं वो ऐसे पकड़ पकड़ के घूमते हैं। और यहाँ पे फिर उसको अर्घ दिया जाता है, लोटे में जल डाल रहे हैं गंगा जल। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए इसमें अर्घ दिया जाएगा, अक्की दे रहा है सबसे पहले अर्घ क्योंकि इसकी मैंने मन्नत मानी थी और छठी मैया ने मेरी मन्नत पूरी भी कर दी। बच्चा मेरा सही हो गया, आगे भी मेरा बच्चा, मेरे दोनों बच्चे, सारा परिवार मेरा मायके का ससुराल का सही रहे, बस छठी मैया से यही मेरी मनोकामना है। अब यहाँ पे मम्मी का साड़ी जो है पूरा भीग रहा है, नहीं घूम पा रही है, तो इसलिए भाभी जो है मेरी वो पकड़ रही है साड़ी, क्योंकि सुपली बहुत भारी है। एक तो ये पीतल की है, भारी भी है, उसमें फ्रूट्स भी हैं, तो व्रत किया हुआ नहीं पकड़ पा रही है। मम्मी कह रही है मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ, बहुत भारी हो रहा है। यहाँ पे ये है कि 5 बार पानी ऐसे डालना पड़ता है। तो इसी तरीके से नीचे एक बार झुकेगी मम्मी, उसके बाद फिर उठेगी। और यहाँ पे अक्की जो है अर्घ दे रहा है। अब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए मैं नहीं हूँ वीडियो में, आगे आपको देख जाऊँगी। तो बारी बारी से इसी तरह से सब लोग आएंगे और अर्घ देंगे। ये देखिए छोटी वाली भाभी ने पकड़ लिया है, छोटी वाली भाभी ने नहीं देखा है पहले क्या नहीं होता है, और वो देख के इतनी खुश हो रही थी, करी इतना अच्छा लग रहा है देखने में। बड़ी वाली भाभी और मैं तो शुरू से ही थे तो हम लोगों ने तो देखा है, बड़ी वाली भाभी ने देखा ही है कैसे होता है। छोटी वाली भाभी पहली बार देख रही है और वो कह रही थी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है घर में शादी है। सब लोग को बहुत, क्योंकि मम्मी ने बीच में छोड़ दिया था किसी कारण से और काफ़ी सालों बाद उठाया है फिर से, स्पेशली अक्की के लिए उठाया था क्योंकि उसकी मन्नत पूरी करनी थी। और मेरे बड़े भाई भी बहुत तबीयत ख़राब थी तो उसकी भी मन्नत पूरी थी, उसकी भी मम्मी ने मन्नत मान रखी थी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अक्की को बता रहे हैं बेटा ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर। यहाँ पे
यहाँ अवनी बैठ गई है नीचे। अब सूरज जी ढल गए हैं तो अब इस साइड से दिया आएगा, ढलने जा रहे हैं तो ढलते उस साइड से है ना। तो अभी मेरा बड़ा भाई आ गया है, अब ये देगा अर्घ और मैं भी आ गई हूँ। मैंने कहा बक्की को मैंने कैमरा पकड़ा दिया, मैंने कहा अब तू कर, अभी मैं दूसरी सुपली दे रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी को दे रही हूँ, भारी है बहुत सही में यार भारी है। और कैसे लोग वर्ती लेके खड़े रहते हैं पानी में जो घाट में होता है कई कई घंटे, कुछ लोग कश्ती करते हैं जो पानी में खड़े रहते हैं पूरा नीचे तक, वो लोग कश्ती करते हैं। अभी बड़ा भाई मेरा यहाँ पे अर्घ दे रहा है मम्मी को। तो इसी तरीके से सब लोग बारी बारी से घर के लोग अर्घ देंगे। अब यहाँ मेरे से बड़ा वाला भाई आ गया है, अब ये दे रहा है अर्घ। अब यहाँ मैं जा रही हूँ अर्घ देने के लिए। गाना चल रहा है इसलिए मैंने माँ का जो है शोर बंद कर रखा है, नहीं तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं अर्घ दे रही हूँ। सुपली बहुत भारी हो रही है तो फटाफट से अर्घ दे लिया है। और यहाँ पे सती मैया को देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने सजाया है, ये देखिए बहुत ही सुंदर लगता है सारा ये सब। अब ये गन्ने रखे हुए हैं, कोसी के लिए गन्ना रखा हुआ है, जो मन्नत मानी थी तो कोसी भरते हैं जिसकी मन्नत पूरी होती है। अब मम्मी बोल रही थी यहाँ पे सब जय कर लो, पैर छू लो छठी मैया के, तो सब लोग पैर छू रहे हैं बारी बारी से, बड़ी भाभी छोटी भाभी फिर मैं। अब यहाँ बड़ी वाली भाभी जो है ये चौका बना रही हैं, और यहाँ हम पैर पे कलर लगा रहे हैं, आलता लगा रहे हैं, हमने लगाया नहीं था तो कहा था कि बाद में लगा लेंगे। तो आलता लगाना सुहागन को ज़रूरी होता है कोई भी त्यौहार या तीज त्यौहार पड़ता है तो ये अच्छा होता है। अब यहाँ पे अब यहाँ भाभी चौका पूर रही है, तो देखिए चौका बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम गन्ने खड़े करेंगे, तो वो जो बड़ा मेरे से जो बड़ा वाला भाई है वो करेगा। और साड़ी मंगाई थी मैंने एक, ये भरा जाता है कोसी में तो ज़रूरी होती है, तो ये बांधेंगे। और इसी में ही यहाँ पे मम्मी कुछ जो है पल्ले में ही बांध के कुछ जो है प्रसाद वो बांध के फिर उसको बांधेंगी। तो ये मेरा भाई जो है ये बांध देगा अक्की को भी। मैंने साथ में बोला कि बेटा तू भी चला जा साथ में और पकड़ ले, मामा अकेले बैलेंस नहीं कर पाएगा ना, पकड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये गन्ने को खड़ा कर रहे हैं और इस तरीके से देखिए साड़ी को खोल के बांधा जाएगा। अब जो दिया वाला मटका दिख रहा है ना, इसी को कोसी बोलते हैं। तो ये मेन रखाता है कोसी, और साथ इस तरह के जो छोटे बड़े बड़े दिए होते हैं उसमें फल रख के रखता है। दिए लगाए जाते हैं चारों तरफ। मैं यहाँ पे जो दिए हैं तेल ख़त्म हो गया था उनको दोबारा से जला रही हूँ, शाम हो गई है और ठंड का हल्का हल्का ठंड शुरू हो गई है तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पर मैं तेल भी डाल रही हूँ, तो इसी तरीके से बहुत रात भर दिए जलेंगे
और यहाँ पे देखिए फल रखे जा रहे हैं, ये साथ मम्मी ने मंगाए थे ऐसे, केला, जो भी फल है जो भी आपके पास है वो यहाँ पे रख के चढ़ाया जाता है सारा चीज़ अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए सजा रहे हैं, यहाँ भी दिया बत्ती देना, दिया अरे लगेगा नहीं नहीं उसको फिर अभी रखना है फल ना, इसी पे रखा है फल और रखो ना, हाँ तो रखो कहाँ है कहाँ बटो केला वाला सब फल रखो दे दीजिए फल से इससे मैं डालते पानी नहीं भर डालना है क्या? डाल दिया दिया रखा है। अब यहाँ पे सारा दिया जो है जला जला के रखा जा रहा है, इसको कोसी बोलते हैं। देखिए इस तरीके से कितना सुंदर लग रहा है कि बैठा है ये, हाथ में मम्मी ने दिया है इसको, और ये पूजा ये जो है ना कपड़ा इसमें बांध के दिया है, कोसी का सामान जो भी है वो अकेले के बैठा है वहाँ पे। और यहाँ पे बस अब ये जो कोसी की पूजा है पूरी हो रही है। अब तो बिल्कुल उतार रही हूँ, बाल देखे पूरे माथा वो पटक से भटकाने का सब इसको लंबी उम्र दो, इसका सारे दुख दूर करो, बहुत कष्ट से बचाव हो रहा है, सब सुनना छठी मैया सूर्य भगवान सब दुख दूर करो। कहाँ गए और सोनी को भी ले ले, आजा मैं तो दूर ही हूँ, आजा चलो पहले चाय करो, सब चीज चढ़ गया। अरे हाँ ये जाना जी बाबू, ये दूध पत्ती जलाऊंगी, हाँ दूध पत्ती हाँ, ये तो पहले का कहीं दूसरा जलाऊंगी मैं, मेरा कुछ खाया। अब यहाँ सोनी बोल रही है कि मेरी तो मन्नत मांगते ही नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो उसकी नानी बोल रही है ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सबके लिए व्रत है, सबके लिए है सब कुछ, और सबको आशीर्वाद है सब कुछ। तो यही वो चिढ़ रही थी कि भैया का हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, तो दोनों बच्चों का ही किया है, ऐसा कुछ नहीं है। और बस याद आ जाती कि बच्चे जब बीमार हो जाते हैं किस तरीके से बचते हैं, तो बस वही रोना आ रहा था मुझे बस इसी तरीके से। यहाँ पे अक्की और उसकी नानी पूजा कर रहे हैं साथ में, दिया दिखा रहे हैं, बस कोसी का यहाँ पे पूजा ख़त्म हो गया है, अब छठी मैया का बस पूजा तो हुआ ही है, लेकिन साथ में भी बैठेंगे और काफ़ी देर तक पूजा होगी। अब मम्मी यहाँ पे खोइंचा भर रही है, जो लोग जानते होंगे जो यूपी बिहार के हैं उनको पता होता है खोइंचा क्या हो रहा है, तो मम्मी आशीर्वाद के तौर पर भर रही हैं सबके, बड़े वाली भाभी को, फिर छोटे वाली भाभी को, फिर मुझे। तो हम लाइन से खड़े हैं खोइंचा लेने के लिए, और 5 औरतों को होता है, तो मम्मी इसलिए दोबारा करेंगी, तो यहाँ पे आशीर्वाद दे रही हैं। अब ये आ गई छोटी वाली भाभी, तो इनका भी खोइंचा भर आ रहा है, सभी को मम्मी ऐसी करेगी। अब यहाँ पे आ गई मैं,
तो मम्मी यहाँ बैठ गई हैं, मैं भी आ गई तैयार होके। फटाफट से पूजा कर लेते हैं और अभी अंधेरा हो रहा है, देखो अंधेरा हो रहा है अभी। फटाफट से तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ तैयारी हो गई है, देखिए पूरा सजा दिया है हमने फिर से, और दोनों ये सुपली में हमने इसको भी तैयार कर दिया है, ये देखिए। अब यहाँ देखिए सवेरा हो गया है और अब बस हम यहाँ पे पैर छू रहे हैं छठी मैया के। तो ये छोटी वाली भाभी है। अब यहाँ पे हम ये सारा जो कोसी का था ना, ये सारा उठा के हम रख लेंगे। सारे फल उधर का जो है कोसी वाला काम जो है वो ख़त्म हो गया, तो अभी सारा जो है फल हम उठा के रख रहे हैं। और अब फिर से अर्घ दिया जाएगा सुबह का, अभी सूर्य देवता निकलने वाले हैं बस। तो यहाँ भाभी जो है मम्मी के हाथ पे अर्पण लगा रही है, जो बनाया था ना वो वही जो मम्मी मिक्स कर रही थी, हल्दी और साठी का चावल होता है वो, तो यही लगता है। तो यहाँ पे अब देखिए फिर सुपली दिया जा रहा है, पहले टीका हाथ में लगा रहे हैं। और इस व्रत को खास बात यह है, कोई भी कर सकता है, कोई भी आदमी चाहे औरत दोनों कर सकते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है इस व्रत को रखने के लिए सुहागन ही चाहिए, मेरी मम्मी विडो है लेकिन फिर व्रत रख रही हैं, तो हस्बैंड वाइफ भी दोनों रखते हैं। और अगर वाइफ रखने की कंडीशन में नहीं होती है तो हस्बैंड रख सकता है, कोई भी रख सकता है, दोनों रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्रत, बहुत ही मान्यता वाले व्रत है ये। और 36 घंटे निर्जल रह के व्रत करना। अब सब एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं यहाँ पे नाक से, तो सिंदूर लगाना मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैंने कभी नाक से सिंदूर नहीं लगाया था तो मेरे लगा, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं बड़ी वाली भाभी को लगा रही हूँ। तो यहाँ पे भाभी कह रही है देखो मैंने तुम्हारा अच्छे से लगाया था, मेरा भी अच्छे से लगाना है। मैंने कहा अच्छे से लगाऊंगी ही। अब अर्घ मम्मी दे रही है, टाइम हो गया है, सूर्य भगवान निकल चुके हैं तो अर्घ देने का टाइम हो गया है। साड़ी खोस लो। और यहाँ बड़ा वाला भाई जो है वो अर्घ दे रहा है। तो यहाँ बस अर्घ सब लोग दे चुके हैं, सारे लोग। अब बस मम्मी से सुपली लेके अब मैं रख रही हूँ, तो यहाँ पे रख दे रहे हैं। अब मम्मी अब निकल रही है, अब सब लोग अच्छे से पैर छुएंगे। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ घर, शाम 4 बजने वाला है और ये मेरे को आ गए हैं लेने के लिए, ड्राइव कर रहे हैं अभी। आ गए थे ये 1 बजे आ गए थे कि 1:30 बजे आए थे, 1:30 बजे आए थे है? शायद 1 या 1:30 बजे आए थे। बस अब घर जा रही हूँ क्योंकि कल आज बच्चों का ऑफ हो गया था और कल स्कूल है, तो सब कुछ देखना है घर जाके और खाने वगैरह का भी देखना है शाम का, क्योंकि सब्जी वगैरह भी जाके लानी पड़ेगी मुझे या इनसे ही मंगवा लूंगी। बस बच्चे भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। आर यू एंजॉयिंग? बच्चों को भी बहुत मजा आया,
पहली बार उन्होंने देखा, क्योंकि अक्की था तो बहुत छोटेपन में किया था, जब अक्की छोटा था ना तब उसकी नानी ने किया था, बहुत छोटा था तब किया था, और अब मम्मी ने किया, बीच में मम्मी का कुछ कारण से छूट गया था। तो बस फिर आप लोग देखिए छठ का व्लॉग और बताइएगा आपको कैसा लगा। तो फिर चलिए मिलती हूँ आपसे कुछ, अगर नया मेरे को मिलता है तो ब्लॉग में जरूर डालूंगी। चलिए फिर बाय, मिलती हूँ आपसे।